मैंने शहर से लाखों रुपए के हथियार मंगवाए हैं और मैं चाहता हूं इस बात का पता किसी को न चले। सरदार, हमारे हथियार तो बहुत पुराने हो चुके हैं, कभी पुलिस ने धावा बोल दिया ना तो हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। सरदार सरदार, बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो मितवा? कल रामगढ़ के थाने में सरकारी हथियारों की बहुत बड़ी खेप आने वाली है और खबर मिली है कि अपने बिहड़ के रास्ते से गुजरने वाली है। खेप बिहड़ के रास्ते से गुजरेगी जरूर, लेकिन थाने में नहीं जाएगी, सीधा हमारे ठिकाने पर आएगी। सारे हथियार हमारे हवाले कर दे। दिल्ली दूध की लालची होती है, दिल्ली सियासत के पीछे मरती है। कुत्ता हड्डी चुराने को तरसता है और डाकू जब भी फंसता है हथियार के चक्कर में फंसता है। क्या मतलब? तू अपने साथियों से खुद पूछ ले। इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलो सरदार को बता। धोखा हुआ है, इस बहन में हथियार है ही नहीं। देखा रुदाली, धोखा खा गई ना। अब इस खुशी के मौके पर एक और धोखा खा। जरा नजर उठाकर चारों तरफ देख तो सही। तूने पुलिस को नहीं बल्कि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया। देखा रुदाली, खा गई ना धोखा।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया रुदाली, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। खेल तो अब शुरू होगा इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? दिलावर सिंह। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है दिलावर, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम डकैत नहीं, स्वतंत्र सेनानी हो। कानून का एहतराम करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अपने सिपाहियों से कहो कि हथियार फेंक दें, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हथियार नीचे फेंक दो। क्यों दरोगा, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया ना, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। देखो इंस्पेक्टर, न हम तुम्हारे दुश्मन हैं और न तुम हमारे। आज के बाद हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। दिलावर, मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो। आओ